LG 32 इंच LCD बोर्ड, जो पैनल बोर्ड है, जो PCB है, उसके सारे कंपोनेंट की डिटेल मैं आपको देता हूँ। जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं इसमें, उन सब की पूरी डिटेल आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। बहुत सारे कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं PCB में, आप देख रहे हैं ये पैनल बोर्ड है 32 इंच LCD का, LG फ्रॉम LG। तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन सब की डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे कंपोनेंट हैं। जनरली होता ये है कि जब पैनल बोर्ड डैमेज हो जाता है किसी कारणों से, या पैनल के कंपोनेंट जल जाते हैं ओवरलोड आने से, या सर्किट में फॉल्ट आने से, तो कंपोनेंट के नंबर दिखना बंद हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इस PCB के पूरे कंपोनेंट्स की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। आप ऊपर देखेंगे LG का पूरा डिटेल दिया हुआ है, LG का जो PCB बोर्ड है Slim 32 इंच, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये है पूरा LCD LED बोर्ड का डिटेल, और साथ ही साथ कंपोनेंट की जानकारी अब आपको मिलेगी। अब जो है हीट सिंक पे आप MOSFET एंड डायोड्स देख रहे हैं, ये है 11N60। ये जो पहले दो MOSFET लगे हैं वो 11N60 है, बीच में डायोड है, डायोड का नंबर भी आपको विजिबल हो रहा है। और जो राइट हैंड पे जो MOSFET हैं वो है K3561, K3561, और पास में जो डायोड है वो डायोड की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी आपको विजिबल हो रही है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो बूस्ट कंडेंसर लगा है ये 105K 500 वोल्ट है, 450 वोल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। DT जो लगा हुआ है उसका नंबर दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस के नंबर दिख रहे हैं। ये NTC लगा हुआ है, 8D15 नाम का NTC लगा हुआ है, साथ में ब्रिज डायोड है, इसका भी नंबर आपको विजिबल हो रहा है। और ये जो आपको PF दिख रहा है, ये PF है 471K, 2KV 3KV आप लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं। रेजिस्टेंस बहुत सारी है, रेजिस्टेंस पूरी विजिबल हो रही है, ये 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ डायोड लगे हैं। और ये एक IC है, मेन IC है 8 पिन की। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ इसका मेन नंबर, ये इसका नंबर है ICE 380365J, ये IC नंबर है इसका, जो इसका मेन IC नंबर है। और साथ ही साथ पास में कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो भी आपको विजिबल है, 4007 के डायोड लगे हैं, RL 207 भी लगा सकते हैं आप इसमें। और अब आपको दिखेगा ये डायोड है FCQ 20B06, ये है रेजिस्टेंस आपको दिख रही है। अब इसमें जो वोल्ट होते हैं, ये पूरे वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं, जो ये एक स्लॉट लगा हुआ है, जो कनेक्टर है, इसके वोल्टेज आपको दिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं, पीछे के कंपोनेंट देखेंगे अपन। पीछे भी 2-3 SMD ICs लगी हुई है, ये ऑप्टोकपलर IC लगी है, 817 ऑप्टोकपलर IC है यहाँ पे। हम इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, तो ज़रूर पेटीएम फ़ोनपे नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, आपको कुछ भी बोर्ड की जानकारी मिली हो और बोर्ड रिपेयरिंग करने में मदद मिली हो, तो ज़रूर हमें कंट्रीब्यूट करें हमारे पेटीएम फ़ोनपे नंबर पे। अब आप देखेंगे ये एक कैपेसिटर है, इसका नंबर भी आपको विजिबल हो रहा है। और ये जो पास में है 471 PF है, ये LG का 32 इंच स्लिम मॉडल है। इसकी PCB की पूरी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स देखते हैं। पीछे के कंपोनेंट्स हैं, जो मेन SMD कंपोनेंट्स लगे हैं वो भी अपन देखेंगे। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी LG की इस पैनल बोर्ड के मॉडल की, ये पैनल बोर्ड का मॉडल है, इसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। और ये कंपोनेंट जो लगे हैं, ये देखिए आप, 15N 1000 का कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ ही साथ पास में रेजिस्टेंस लगी हुई है 15N 1000 वोल्ट। और साथ में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये इसके कनेक्टर की इंफॉर्मेशन है, कनेक्टर्स के वोल्ट्स और इंफॉर्मेशन दी हुई है। और साथ ही साथ उसमें जो हीटसिंक पे
कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो डायोड लगे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। इस बोर्ड की प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन आप देख पा रहे हैं कंपोनेंट के साथ। इसमें जो ऑप्टोकपलर आईसी 817 होती है और जो जीना डायोड हैं वो 4148 भी लगे हुए हैं, कुछ 4148 नाम के जीना डायोड लगे हुए हैं। फ्यूज़ 15 एम्पियर 10 एम्पियर आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें 15 एम्पियर का वायर वाला फ्यूज़ लगा हुआ है। दो जगह फ्यूज़ लगे हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये वापस से आपको मैं दिखा रहा हूँ, सारे कंपोनेंट्स वापस से आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि कोई चीज़ आपकी छूट गई हो तो आप वापस से देख लें, या हो सकता है इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो। ये 471 के 2KV का PF है, ये सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो में वापस से। ये LCD PSU फॉर स्लिम 32 इंच LG पैनल LCD। अब ये पीछे की इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, पीछे की जो बैक PCB है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये सेकेंडरी प्राइमरी दोनों सेक्शन आपको दिख रहे हैं, साथ ही साथ जो SMD IC लगी हुई है वो मैं आपको बताऊँगा। ये दो SMD IC है, सबसे पहली जो SMD IC देख रहे हैं वो है L6599, ये 6599 नाम की SMD IC लगी हुई है। और अब जो पास में आपको LCD में जो आपको 8 पिन की जो SMD IC दिख रही है उसका नंबर भी मैं आपको दूंगा जूम करके। ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कंट्रीब्यूट भी करें। फ़ोन पे पेटीएम नंबर आपको इस वीडियो में दिया गया है, तो एज ए टोकन ऑफ थैंक्स जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप भेज सकते हैं हमें। ये मॉडल वैसे बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा, स्लिम 32 इंच LCD LED, बहुत बिका LG का ये मॉडल और बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। रिपेयरिंग वैसे इसकी ज़्यादा नहीं आती है, बट आती है तो थोड़ा पेचीदा हो जाता है, इसलिए आपकी मदद करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो हमने बनाई है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हमें थैंक्स भी भेजें फ़ोन पे पेटीएम पे। ये आपको सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। कोई ट्रैक आपका मिस हो गया हो और उसके आसपास के कोई कंपोनेंट हो तो वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब ये जो IC आपको दिख रही है 4 पिन 4+4 8 पिन की, इसका नंबर आपको बता रहा हूँ मैं, यह है AM508090। ये SMD IC है 8 पिन की और ये SMD कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर चीज़ें दिख रही है आपको। थैंक यू सो मच गाइस।